नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6th and 7th of November 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज़ को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की PDF आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की PDF को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी, कोई नई वैकेंसी वीडियो यहाँ पर आएगी, तो सबसे पहले उसका लिंक और PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जो कि avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं हमारे अपकमिंग या ऑनगोइंग, उन सभी के बारे में दोस्तों क्या मिलेगी, डिटेल मिलेगी। ठीक है, चाहे SBI PO का क्रैश कोर्स हो, SSC CGL का, आने वाले कोई भी एग्जाम के सबके लाइव कोर्सेज वहाँ पर आपको पता हो जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने आप को बहुत इजीली वहाँ पर एनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड कर्नाटका रत्न पोस्थमसली ऑन 1 नवंबर 2022। दोस्तों पोस्थमसली का मतलब होता है जो जो बंदे की या फिर जिन हस्ती की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद उन्हें उस सम्मान दिया जा रहा है उस अवार्ड से। ठीक है, उसे हम बोलते हैं राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पुनीत राजकुमार। दोस्तों आपने इनकी फोटो जरूर देखी होगी, बहुत जाने माने एक्टर रह चुके हैं ये। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड द लेट एक्टर विद द कर्नाटका रत्न अवार्ड ऑन 1st of November। द लेट कन्नड़ पावर स्टार पुनीत कुमार लास्ट फिल्म गदहदा गुड़ी वॉज रिलीज ऑन 28th of October 2022 एंड अश्विनी पुनीत राजकुमार और पुनीत राजकुमार वाइफ रिसीव द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन हर हस्बैंड्स बिहाफ राइट। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो जिनकी डेथ हो जाती है और वो एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं, और अगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है दोस्तों, सम्मानित कर रही है किसी अवार्ड से राइट। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा, और बहुत जाने माने हस्ती थे दोस्तों ये। द इवेंट वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय शिवा राजकुमार अपूज एल्डर ब्रदर एंड पुनीत राजकुमार बिकेम द 9th रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड विद द पॉस्थमस ऑनर राइट। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमारे सेशंस में हमारा यही एम रहता है कि आपको हम बिल्कुल क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड करें और जो आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट है वो चीज़ें आपको दें, इन्फॉर्मेशन आपको दें। और आप ध्यान रखिएगा कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लें हर पॉइंट के, ताकि जब आप एग्जाम के आने के पास जब रिविजन करें तो आप उन बुलेट पॉइंट्स का ही रिविजन करें, जो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड अ BOB वर्ल्ड ऑपुलेंस BOB वर्ल्ड सपायर प्रीमियम डेबिट कार्ड फॉर इट्स डैश करेक्ट विल बी योर NI कस्टमर्स दैट इज हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स राइट। तो जो हाई नेट इंडिविजुअल्स कस्टमर्स हैं, जिनका जो नेटवर्थ है वो काफी बड़ा है, हाई नेटवर्थ है ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये प्रीमियम डेबिट कार्ड क्या हुए हैं दोस्तों, लॉन्च हुए हैं ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड वीजा हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स दैट इज BOB वर्ल्ड ऑपुलेंस अ सुपर प्रीमियम वीजा इन्फिनिटी डेबिट कार्ड मेटल एडिशन एंड बॉब वर्ल्ड सफायर दैट इज वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बॉब वर्ल्ड सफायर मेल के लिए रहेगा और बॉब वर्ल्ड सफायर फीमेल के लिए, यहाँ पर 2 सब वेरियंट्स रहेंगे बॉब वर्ल्ड सफायर कार्ड के राइट। तो जो आपका एक ध्यान रखना ऑपुलेंस कार्ड है वो एक मेटल एडिशन है, वो तो बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर एक आया आपका सफायर, जो सफायर है दोस्तों उसके भी 2 यहाँ पर सब डिविजन किए हुए, सब वेरिएंट्स निकाले हुए, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्जर हुए दोस्तों, विजय बैंक देना बैंक, ये आपको पता होगा ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर
हो जाता है, राइट। तो बैंक के माध्यम में अगर मान लीजिए बैंक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके वो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों के लिए दोस्तों क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन इंडिया 7 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 1 एवरी ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1st ऑफ नवंबर। करेक्ट विल बी योर राजस्थान, राइट। तो यहां पर ऑन नवंबर 1st 7 ऑफ द 28 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑब्जर्व देयर फाउंडेशन डे। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब बिसाइड्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी वर फॉर्म्ड ऑन दिस डे थ्रू इन डिफरेंट ईयर्स। बिसाइड 28 स्टेट्स इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। व्हाइल आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश केम इन टू बींग In 1956, Punjab and Haryana were carved out as separate states in 1966, while Chhattisgarh was granted statehood in 2002. It was first time in 1956 that several states were formed on linguistic grounds under the State Reorganization Act, right? तो यहाँ पर सिंपल बात क्या है दोस्तों कि 28 states में से हमारे इंडिया के 28 states में से 7 इंडियन स्टेट्स का जो फाउंडेशन डे है वो नवंबर 1st को मनाया जाता है, इंक्लूडिंग 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, राइट। तो ये आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है दोस्तों कभी कभी कि जो एग्जामिनर पूछ लेता है और उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, ये कुछ उन्हीं में से एक है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन विद फर्स्ट रैंक बैंक और टू बूस्ट द इंडिया अफ्रीका ट्रेड, राइट। तो देखो यहाँ पर तुम्हें एक हिंट मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के साथ अफ्रीका का ट्रेड, दैट इज क्या हो गया, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कौन सा बैंक है दोस्तों, एक्सिम, आपको पता है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में हमें आंसर मिल जाता है तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे तोड़ने का कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बट आपको यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कि इंडिया और अफ्रीका ट्रेड, तो यार हमेशा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो पूरा मसला होता है वो एक्सिम बैंक ही संभालता है। हालांकि उसकी नजर आरबीआई भी उस पर नजर रखता है बट एक्सिम बैंक उसमें क्या होता है दोस्तों, पूरा अपेक्स बैंक है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। हैज कंक्लूडेड अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन विद फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड। द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन द जोजनबर्ग एंड द साइडलाइंस ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका रीजन कॉन्क्लेव, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की गई है, एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया ताकि इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेड है उसे बूस्टअप किया जा सके, उसमें और ज्यादा रिलायंस लेकर आया जा सके, ट्रस्ट लेकर आया जा सके, ठीक है, और हसल फ्री हो, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो ये बात आपको इधर इंपॉर्टेंट रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपका नेक्स्ट। एक्सिम बैंक की तो हमने बात कर ली है ना, एक्सिम बैंक की बात कर ली। एक्सिम बैंक के आप जरूर एमडी सीईओ का नाम यहाँ पर याद रखना दोस्तों, है ना। ओनर कौन है ये मैं आप लोग को बता दूं, चलिए फाउंडर एक्सिम बैंक के हो जाएंगे शाहजहान कबीर, ठीक है। तो नाम तो बड़ा तुम्हें याद रह जाएगा फटाफट ही, शाहजहान कबीर, और हेडक्वार्टर्स का ढाका बांग्लादेश में, आपको सॉरी बांग्लादेश की बात है, ये इंडिया की बात नहीं होगी, ये इंग्लैंड इंडिया की बात नहीं है, वेरी सॉरी। हर एक अपने कंट्री का एक्सिम बैंक होता है, ठीक है। तो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर रोल क्या है इसका, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और ये सब, और एक्सिम बैंक क्या स्टैंड करता है बता दिया मैंने आपको। श्री राजीव जो है दोस्तों, श्री राजीव ये हमारे सीईओ हैं इंडिया के, किसके, एक्सिम बैंक के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, और मेन ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। द रूरल ऑफ शारजाह सिटी ऑफ यूएई शेख सुल्तान, ठीक है, द रूरल ऑफ शारजाह सिटी ऑफ यूएई शेख सुल्तान अल कासमी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है के कौन सा एडिशन यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो करेक्ट हो जाएगा 41st।
तो सुप्रीम काउंसिल मेंबर एंड रूरल ऑफ सरजहां डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी हैज ओपन्ड द 41st एडिशन ऑफ द सरजहां इंटरनेशनल बुक फेयर विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम नवंबर 2 टू 13 एट द एक्सपो सेंटर शरजहां अकॉर्डिंग टू द एमिरेट्स न्यू एजेंसी. शेख सुल्तान बिन अहमद बिन सुल्तान अल कसीम डेप्यूटी रूरल ऑफ शाहजहां. इतना आपको जैसे डेप्थ में इनके नाम याद नहीं करने दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या याद करना है मैं बता दूँ. देखो एक तो तुम्हें कौन सा एडिशन है ये ध्यान रखना है, ठीक है. ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ है, एक्सपो सेंटर में, ये तुम ध्यान रखना, ठीक है. और दूसरा कौन सा बुक फेयर है, तो शरजहां इंटरनेशनल बुक फेयर है, ठीक है. सिंपल ये तीन पॉइंट पर आपके क्वेश्चन बनने के चांस है, इससे ज्यादा नहीं. सबसे ज्यादा चांस हो जाते हैं एडिशन पर, ठीक है. जो एडिशन पर क्वेश्चन आपको पिछले पीछे दिखाई दिया उस पर आपके क्वेश्चन बनने के ज्यादा वहां पर चांसेस हो जाते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. विच स्टेट इज ऑल सेट टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट. करेक्ट विल बी योर केरला. दोस्तों केरला यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है अपना ट्रैक एशिया कप साइकिल टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए, ठीक है. एंड ट्रैक एशिया कप इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट एंड विल बी हेल्ड एज LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम, ठीक है. इसमें क्या क्या यहाँ पर रहेगा ये हम बात करेंगे. तो ट्रैक एशिया कप इज सैंक्शन बाय द एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. द साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ केरला इन्फॉर्म दैट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू होल्ड द मैचेस अंडर फ्लड लाइट्स. ट्रैक एशिया कप ऑल्सो सेलेक्शन ऑफ एशिया कंट्रीज फ्रॉम 2024 पेरिस ओलंपिक्स. साइकिलिंग जॉइंट्स इंक्लूडिंग चाइना, कोरिया, जापान, कजाकिस्तान आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट. और मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया एंड इंडिया विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इवेंट. एन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द पैट्रॉनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन. ट्रैक एशिया कप 2022 विल बी क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग साइकिलिंग एज अ मेजर स्पोर्ट इन द स्टेट, राइट. तो दोस्तों साइकिल को या साइकिलिंग को एक मेजर स्पोर्ट्स की तरह यहाँ पर देखा जाएगा और यहाँ पर केरला क्या करेगा, उसे होस्ट करेगा आने वाले समय में, ठीक है. केरला विल गोइंग टू होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, राइट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी ये सारी चीजें भी आपको बता दी गई, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. अमंग द फॉलोइंग हु नेम्ड आर सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड. करेक्ट विल बी योर विशाल कपूर. दोस्तों अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है. अभी जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, एग्जाम्स को किस तरीके से उनके अप्रोच एग्जाम को लेकर, बेसिकली जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स पार्ट को लेकर, तो हमें उसमें अपॉइंटमेंट याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विशाल कपूर एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ही टेक्स चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एट अ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट. तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. यहाँ पर इनका बैकग्राउंड यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ दिया हुआ है कि ये कहाँ का काम कर चुके हैं, क्या इनका रोल था पहले, वो सारी चीजें. लेकिन बैकग्राउंड हमें इतनी याद नहीं रखनी है, हमें इनका डायरेक्ट नाम याद रखना है कि कौन सी कंपनी के लिए कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है. तो इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विशाल कपूर की, जो कि सीईओ बने हैं EESL दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राइट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. विच इंडियन क्रिकेट player becomes the first player to register a hat-trick in the ICC T20 World Cup history. Correct will be your Virat Kohli. Dosto, Virat Kohli has hit the form and is scoring 50s in ongoing ICC T20 World Cup after playing a match-winning knock of 82 not out against Pakistan. He amassed an unbeaten 62 against Netherlands. After failing in the game with South Africa in Perth, in 33-year-old to come back to his bag and registered a crucial 50 against Bangladesh and अदलेद ओवल, राइट. तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, यहाँ पर विराट कोहली, मैथ्यू हेडन, फिर आपका दिलशान, ठीक है, जयवर्धने, शेन वॉटसन, क्रिस गेल, इन सबको यहाँ पर दोस्तों कुछ स्कोर्स इन्होंने जो किए उसकी बात यहाँ पर पूरी लिस्ट बेसिकली यहाँ पर दी हुई है, ठीक है. केएल राहुल वगैरह सब यहाँ पर हैं, डेविड वार्नर, बाबर आजम, राइट. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आप ये ध्यान रखना दोस्तों कि स्पोर्ट्स के माध्यम में आने वाले एग्जाम में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है. कॉमनवेल्थ गेम्स की जिसकी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट पर मेरी, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट चलता है. UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड डैश एज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे. करेक्ट विल बी योर
5th of November. Dosto, in December 2015, UN General Assembly designated November 5 as World Tsunami Awareness Day, calling on countries, international bodies and civil society to raise tsunami awareness and share innovative approaches to risk reduction. Right? So, UNDRR facilitates the observance of World Tsunami Awareness Day in collaboration with the rest of the United Nations system. The date of November 5 was chosen to mark the story of burning of the rice sheaves in western Japan. Simple बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर World Tsunami Day का मनाया जाता है 5 November को और this day celebrated to raise awareness for early warnings and actions to protect people, save lives and prevent hazard of becoming a disaster, right? So this is important कि आप इस दिवस को ध्यान रखें. सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर थीम नहीं दी गई है दोस्तों, तो कोई थीम नहीं है तो हमें याद नहीं करनी. ठीक है, कोई थीम नहीं है तो याद नहीं करनी. आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. यहाँ पर दोस्तों मुझे डिमाइस दिखाई दे रहा है, ऑर्बिचरी है, याद कर लीजिएगा. जैम्बे ताशी हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. करेक्ट विल बी योर पॉलिटिक्स. He's a politician, right? तो जैम्बे ताशी MLA रह चुके हैं लुमला असेंबली सीट इन अरुणाचल प्रदेश. पास्ड अवे ड्यू टू फॉलोइंग इलनेस. ही वॉज 48 ईयर्स ऑफ ओल्ड. ठीक है, ही डाइड इन हॉस्पिटल गुवाहाटी. तो दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के MLA रह चुके हैं जैम्बे ताशी, इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. इनका देहांत हो गया है, डिमाइस हो गया, 48 ईयर्स के थे दोस्तों. हालांकि क्यों इनका देहांत हुआ उसकी प्रॉपर रीजनिंग यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये इनकी बहुत पुरानी बीमारी चल रही थी लेकर उसको ही यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, इनका डिमाइस हुआ है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो. आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों. अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ. और दोस्तों एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे दूं, मंडे से आप मेरे साथ लाइव वापस जुड़ सकते हैं 5:00 PM. ठीक है, तो यहाँ पर 5:00 PM वापस से हम लोग इसी YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव जुड़ेंगे. हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन लेंगे और मंडे से फ्राइडे आपकी लाइव क्लास मेरे साथ चलेगी 5:00 PM से. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज जरूर आइए. लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, लिंक और PDF सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा. और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इन लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपने MCQ सॉल्व कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए. तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.